वेलकम टू सब्टेक चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं एक नया ट्रिक लेके आया हूं जिसके चलते आपका 200 रुपया सेव होने वाला है। दोस्तों आपने थंबनेल पे देखा ही होगा रेड बस और पेपल। रेड बस में जाकर बुक टिकट बुकिंग करते हैं, वह भी पेपल के जरिए ट्रांजेक्शन करते हैं, पेपल के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो आपका 400 रुपया एग्जाम्पल के तौर पर 400 रुपया टिकट वैल्यू अगर होगा तो आपको 200 रुपया सेव हो जाएगा। मतलब 200 रुपया डिस्काउंट दिया, 200 रुपया में आपका टिकट हो जाएगा। तो मिनिमम आपको 300 रुपया होना चाहिए टिकट वैल्यू। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से जाकर रेड बस एप्लीकेशन ले लेना है। रेड बस एप्लीकेशन लेने के बाद आपको ओपन करना है। अगर रेड बस में साइन अप नहीं किया हुआ तो रेड एप्लीकेशन ले लीजिएगा। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ताकि रिफर कोड जो भी यूज़ करेंगे आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी कुछ हो जाएगा अगर आप चाहें तो। तो दोस्तों सबसे पहले अपना सिटी से मुझे कोलकाता जाना है, तो अपना सिटी का नाम यहाँ देना पड़ेगा। फिर जहाँ आपको उतरना है उस सिटी का नाम यहाँ देना है, उस जगह का नाम यहाँ देना है। अगर दोस्तों इस जगह पर रेड बस के वॉलेट में अगर कोई बैलेंस पड़ा हो रहेगा तो इसको आप रिचार्ज भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर है रिचार्ज का ऑप्शन, आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज को बस के बारे में, टिकट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए सबसे पहले जो आपका 200 रुपया सेव होने वाला है, यूज़ कोड RB पेपल, इस कोड को यूज़ करना है। किस जगह पर करना मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। 50% अप टू 200 रुपीज़ ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका थोड़ा सा कंडीशन। Pay with PayPal and get 50% up to ₹200 off on bus ticket booking. You need to apply the coupon code. ठीक है दोस्तों, जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो इस कूपन कोड को आपको अप्लाई करना है दोस्तों। ऑफर पीरियड ओनली ऑन iOS एप्लीकेशन एंड मोबाइल वेब और रेड बस और पेपल के बीच पहले ट्रांजेक्शन होना चाहिए। पेपल का पहले ट्रांजेक्शन नहीं है, रेड बस और पेपल का, ये आप समझ लीजिए, रेड बस और पेपल इन दोनों में से पहला ट्रांजेक्शन होंगे, ये बता रहा। और बाकी का टर्म कंडीशन प्लीज़ आप एक मरतबा देख लीजिएगा। अगर इंग्लिश में कोई समझ में नहीं आता इंग्लिश, तो बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का, फिर ट्रांसलेट एप्लीकेशन जाकर उसमें सिलेक्ट करके जो भी लैंग्वेज समझते हैं आप कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर आपको करना क्या है, बुक नाउ पर क्लिक कीजिए दोस्तों। जैसे बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस होगा। तो मुझे सीउड़ी से जाना है, मैं अपना सिटी का नाम दे रहा हूँ दोस्तों, आपका सिटी का नाम ले लेना है। देखिए सीउड़ी यहाँ आ गया, सीउड़ी से मुझे कोलकाता जाना है दोस्तों। कोलकाता ऑल लोकेशन में कर देता हूँ या स्प्लेंडर धर्मतला, तो मुझे कोलकाता ऑल लोकेशन कर देना है। फिर मुझे कौन सी जर्नी डेट कौन सी है, तो मुझे देना है फ़िलहाल अभी 15 तारीख को देना है दोस्तों। 15 तारीख देते ही कितने बसेस हैं आपको यहाँ दिखाई देगा। 15 तारीख का आपको 14 बसेस है। अगर आप भोलभो में जाना चाहते हैं एसी वाले बस में, तो 2 बसेस अवेलेबल हैं। तो दोस्तों फिर शो करते हैं, देखते हैं, मैं आपका पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देख लेना दोस्तों किस तरीके से टिकट बुक किया जाता है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो जानते नहीं हैं उनके लिए मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ताकि उनका भी आसान हो जाए, उनका भी पैसा सेव हो जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे बढ़ें आपकी मदद से। तो दोस्तों देखिए 4:15 में सीउड़ी से छोड़ने वाली है गाड़ी 4:15, तो मैं 4:15 वाला गाड़ी ले लेता हूँ, SBSTC यही वाला। तो देखिए दोस्तों यहाँ ग्रे कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, जो टिकट ऑलरेडी बुक हो चुका है वो सीट। देखिए दोस्तों ये जो ग्रे कलर का सब दिखाई दे रहा, ये सब बुकिंग हो चुका है, अब जो सफ़ेद वाला है वही वाला। तो दोस्तों मुझे अभी फ़िलहाल 2 सीट बुकिंग करके दिखाना है, लेकिन बुकिंग मुझे नहीं करना है, मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ दोस्तों। मुझे अभी फ़िलहाल जाना नहीं है, मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिएगा तो आपका भी पैसा सेव हो। तो दोस्तों देखिए 380 रुपया हो गया 2 सीट का, फिर मुझे डन करना है। डन करने के बाद सीउड़ी से मुझे चढ़ना है, उतरना है कोलकाता में, तो यहाँ बोर्डिंग एट लोकेशन मैं सीउड़ी करता हूँ। फिर मुझे ड्रॉपिंग कहाँ करना है, कोलकाता स्प्लेन, मुझे धर्मतला में उतरना है तो मैं कर देता हूँ। फिर इसके बाद
जो करना है दोस्तों ये है, आपका मेल आईडी देना ज़रूरी है। अगर किसी का टिकट बुकिंग करते हैं उनका अगर मेल आईडी नहीं है तो आप खुद का दे दीजिए और वो मेल आईडी पर टिकट को भेजा जाएगा और उसको प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, या तो खुद का अगर मेल आईडी है तो उसमें भी दे सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान देकर रखना है आपको। फिर दूसरी वाली जो फ़ोन नंबर है, आपको फ़ोन नंबर जो व्हाट्सएप में रजिस्टर है, जिस नंबर पर व्हाट्सएप है वही नंबर देना दोस्तों, ताकि आपका आसान हो जाए, क्योंकि सेंड बुकिंग डिटेल्स एंड अपडेट ऑन एवर व्हाट्सएप नंबर। दोस्तों व्हाट्सएप में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी मोबाइल नंबर पर आपका टिकट को भेजा जाएगा। बस नंबर, सीट नंबर, टिकट बुकिंग नंबर सब कुछ इस मेल और फ़ोन नंबर पर भेजा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं हटा देता हूँ नंबर को, फिर मैं कुछ ऐसे नंबर आपको दिखाने के लिए दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे मैं नंबर दे दिया, देखिए मेरा व्हाट्सएप आ गया। अगर दोस्तों अगर ये अनटिक हो के रहेगा तो इसको टिक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे दो सीट लेना है तो मुझे पहले पैसेंजर का नाम देना है, मेरा सीट नंबर है 34, इस जगह पर देख लीजिए। दो मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं नाम ऐसे दे दिया। फिर मुझे मेल या फीमेल, महिला हो या पुरुष हो, पुरुष हो तो आप मेल दे दीजिएगा, पुरुष महिला हो तो आपको फीमेल दे दीजिएगा। और उनका वयस कितना है, एज कितना है दोस्तों, उनका एज देना है। मैं 28 दे देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। दोस्तों ये जो एक चीज़ है, आई एम बुकिंग टिकट फॉर बिजनेस ट्रेवल, अगर आप बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं तो आप इस जगह पर टिक लगा सकते हैं, लेकिन मुझे दोस्तों अभी नॉर्मली करना है। अब दूसरे वाले पैसेंजर, पहला सीट हो गया, दूसरा सीट में देखिए यहाँ सीट नंबर 35 है, यहाँ नाम देना है पैसेंजर का। फिर आपको मेल है तो मेल दे दीजिए, फीमेल है तो फीमेल दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर उनका एज दे दीजिए, कितने साल का है वो, ठीक है दोस्तों। फिर आपको नीचे जाना है, देखिए आप अगर इस बस के थ्रू, इस बस में अगर जाएँ, कोई दुर्घटना घटे तो आप इंश्योरेंस करके रखेंगे तो ये लोग पे करेंगे आपको। अगर आप इंश्योरेंस नहीं चाहते हैं, नो आई डोंट वांट इंश्योरेंस, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों फिर आपको कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक करते ही दूसरे वाले पेज पे ले जाएगा। दोस्तों यहाँ पेपल का ऑप्शन भी रहेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ लिख दिया है, यूज़ कोड RB पेपल गेट 50% इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू 200 रुपीज़। यहाँ अमेजोन ने दिया है, लेकिन अमेजोन ने जो अप टू दिया है दोस्तों, इसको शायद 20 से लेकर 300, तो जो गारंटी के साथ आपको मिल रहा है 50%, ये ज़्यादा मिल रहा, तो मैं आप ये दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इंटर ऑफर कोड इस जगह पर RBR4 रेड बिफोर बस, फिर मुझे पेपल करना है। पेपल जैसे कर देंगे अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। अप्लाई करते ही देखिए दोस्तों यहाँ अप्लाई ले लिया। तो दोस्तों कंग्रेचुलेसन, यू हैव बीन गिवेन इनर 190 रुपये ऑफ हो गया। इसका मतलब आप देख लीजिए इस जगह पर आपको कितना बेगर प्रोमो कोड का कितना पे करने पड़ रहा है, 380 रुपये आपको पे करने पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब आप इंटर कर देंगे अपना प्रोमो कोड, तो आपको प्रोमो कोड के हिसाब से 50% के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 190 रुपये में आपका दो सीट हो गया। दोस्तों ये कमाल की बात है। अगर आप किसी का टिकट बुकिंग कर देते हैं तो आपका ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। अगर खुद का करते हैं तो इसी तरीके से कीजिए। दोस्तों एक पैसा में आपको दो टिकट, मतलब 190 रुपया एक सीट का लग रहा था, तो आपको 190 रुपया में दो सीट का हो गया। दोस्तों ये ऑफ़र को छोड़ना नहीं, अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको अप्लाई करना, ताकि आपका मनी सेव हो जाए। तो दोस्तों फिर आपको पेपल इस जगह पर टिक करना है। देखिए दोस्तों ले लिया, पे करना है। जैसे ही आप पे करेंगे रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेपल के अकाउंट में। पेपल के अकाउंट में जो ATM कार्ड आप सेव करके रखे हैं, इसमें न्यू यूज़र की बात तो नहीं की है, आपने बस साइन इन करके जो कार्ड सेव किया हुआ है, नहीं तो फिर सेव कर लीजिए कार्ड को एप्लीकेशन में जाकर, फिर वहाँ से पे कर दिए दोस्तों। तो आपको 190 रुपया में दो सीट आपको मिल गया। दोस्तों कहीं से भी आपका बुकिंग करें, इसी तरीके से प्रोसेस करें और हमारे चैनल में जुड़े रहें, ताकि आपके मनी सेव होने की बातें बता सकूं और ऐसे ऐसे वीडियो ला सकूं। सब्सक्राइब कीजिए और ताकि मैं आपके लिए
सही तरीके से मैंने सबके बारे में बता सकूं। और घंटी को भी बजा दीजिएगा, बेल बटन को, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपका ट्रैवल सही रहे मैं दुआ करता हूँ दोस्तों, और थैंक यू सो मच।